एक करोड़पति लड़का अपनी करोड़ों की कार लेकर एक झोपड़ी पर आता है और उस झोपड़ी के अंदर जाने लगता है। उस झोपड़ी के अंदर दो बुजुर्ग पति पत्नी और एक उनकी जवान बेटी रहा करती है। जैसे ही वो लड़की उस लड़के को झोपड़ी के अंदर आता हुआ देखती है तो एकदम से उससे कहती है कि साहब आप वहीं रुक जाइए और झोपड़ी के अंदर मत आइए। इसके बाद वह लड़का कहता है कि क्यों, क्या हुआ? तो वो लड़की कहती है कि आप जब भी मुझे मिलते हो तो मुझे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और पहली बार जब आप मुझसे मिले थे तो उसी वजह से आज तक मैं उसकी सजा भुगत रही हूँ। ऐसा कहकर वह लड़की उसे जाने के लिए कहने लगती है। कौन था वह लड़का और किस तरह की मुसीबत की वह लड़की बात कर रही थी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर एक पंकज नाम का लड़का रहा करता है। पंकज जो कि करोड़पति व्यक्ति है, उसके पिता ने उसके लिए ढेर सारे बिजनेस तैयार कर रखे हैं, जिन बिजनेसों को वो देखकर अपने जीवन को व्यतीत किया करता है। उसके घर में उसके माता पिता हैं और एक छोटी बहन है और उसके माता पिता पंकज की हर बात को समझा करते हैं। पंकज ने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह बिजनेसों को संभाला करता है। अब इसी दौरान एक दिन पंकज कानपुर के एक चौराहे से निकलता है और वहां पर उसकी नजर एक भजिया तलने वाली लड़की पर पड़ती है जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसे देखते ही पंकज मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। अब पंकज उस लड़की को देख लेता है और उससे किसी भी तरह से बात करना चाहता है। इसके बाद जो पंकज होता है वह वहीं पर साइड में अपनी गाड़ी को लगा देता है और दूर खड़ा होकर उस लड़की की तरफ देखने लगता है। वह लड़की अपने काम में व्यस्त थी तो उसे नहीं पता था कि उसे कोई खड़ा होकर देख रहा है। अब इसके बाद पंकज सोचता है कि किस तरह से इससे बात हो, तो वह मन के अंदर एक योजना बनाता है और योजना बनाने के बाद उस लड़की के पास पहुंच जाता है। वह उस लड़की से थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है और जब दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं होता तो वह उसके पास जाता है। उसके पास जाकर वह उससे उसका फोन मांगने लगता है। अब जब पंकज ने डायरेक्ट उसका फोन मांग लिया था तो वह लड़की एकदम से हैरान हो जाती है और वह उससे पूछने लगती है कि साहब क्या हुआ, आपको मेरा फोन किस लिए चाहिए? तो उसके बाद पंकज कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरा फोन और पर्स चोरी हो गया है और मेरी गाड़ी के अंदर तेल खत्म हो गया है और मैंने यहाँ पर कई लोगों से फोन मांग कर देखा है लेकिन कोई भी अपना फोन दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप मुझे अपना फोन दिखा देंगी तो मैं अपने दोस्त को फोन कर दूंगा और उसके बाद वो यहाँ पर आ जाएगा और मेरी मदद कर देगा। इस बात को सुनकर उस लड़की को थोड़ी सी शांति होती है और वह अपना फोन निकालकर झट से पंकज को दे देती है। पंकज अपने दोस्त के पास फोन करता है और उसे अपनी लोकेशन बता देता है और कहता है कि तेल लेकर आ जा, मेरी गाड़ी में तेल खत्म हो गया है और जल्द से जल्द आ जाना। उसके बाद उसका दोस्त कहने लगता है कि यार मैं कुछ काम कर रहा हूं और मुझे वहां पर आने में लगभग आधा घंटा लग जाएगा। तो इसके बाद वो कहता है कि ठीक है आधा घंटा लगेगा तो कोई बात नहीं, मैं यहीं पर तुम्हारा वेट कर रहा हूं और यहीं पर तुम जल्दी से आ जाना। ऐसा कहकर पंकज ने फोन काट दिया था और फोन काटने के बाद उस भजिया तलने वाली लड़की को फोन वापस दे दिया था। अब इस बात को देखकर वह लड़की कहने लगती है कि ठीक है साहब अगर ऐसी बात है तो आप यहीं पर बैठ जाइए, यहीं पर आपका दोस्त आ जाएगा और उसके बाद आप चले जाना। अब यह बात मानो पंकज के लिए मुंह मांगी मुराद मिल गई हो क्योंकि उसने उस लड़की को देखकर पहली नजर में पसंद कर लिया था और वही लड़की उसे अपनी दुकान पर बैठने की बात कह रही थी। इसके बाद पंकज वहां पर बैठ जाता है और बैठे बैठे धीरे धीरे उस लड़की से बातें करने लगता है और उससे पूछने लगता है उसके बारे में, क्योंकि वह उसके बारे में जानना चाहता है कि यह कौन है और कहीं इसकी शादी वगैरह तो नहीं हो गई है, कहीं मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ वो सब कुछ ऐसे ही रह जाए। इसी वजह से वो धीरे धीरे उससे बात करता है तो पंकज को पता चलता है कि इस लड़की का नाम कोमल है और इसकी शादी लगभग एक साल पहले हो चुकी है। शादी होने के बाद इसके पति मजदूरी किया करते हैं और यह घर पर थाली रहा करती थी, इसी वजह से इसने भजिया का ठेला लगाने की सोची और यहाँ पर भजिया का ठेला लगाने लगी ताकि ये भी चार पैसे कमा सके और इनका परिवार का समय अच्छी तरह से व्यतीत हो सके। अब जैसे ही पंकज को पता चलता है कि इसकी शादी हो चुकी है तो उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया था, लेकिन फिर भी वो वहीं पर बैठा रहता है। इधर जो वह लड़की थी जिसका नाम था कोमल, वह उससे कहने लगती है कि साहब आपके लिए भजिया लगा दूँ, तो वो कहता है कि ठीक है मेरे लिए भी लगा दो। इसके बाद जो पंकज होता है उसके लिए भजिया लगा देती है और पंकज वहीं पर बैठकर उन्हें खाने लगता है। थोड़ी देर हो जाती है और थोड़ी देर बाद उसका दोस्त भी आ जाता है। दोस्त आने के बाद वह सबसे पहले दोस्त से कुछ पैसे मांगता है और कहता है कि इनकी भजिया के पैसे देने हैं, लेकिन वह लड़की उससे मना कर देती है, कहती है कि साहब कोई बात नहीं, आज आप मजबूर हो, किसी दिन आपके पास अपने पैसे हों तो उस टाइम पर मेरे पैसे दे जाना। ऐसा कहकर कोमल ने उससे मना कर दिया था और पंकज भी इस बात का उसको कोई जवाब नहीं दे पाता है। इसके बाद पंकज वहां से अपने दोस्त के साथ जाता है और बाहर पेट्रोल पंप से एक बोतल में तेल डलवा कर लाता है। इसके बाद उस तेल को अपनी गाड़ी में डालता है और अपनी
गाड़ी को लेकर वहां से चला जाता है। हालांकि उसकी गाड़ी में पहले से तेल था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि इस महिला के सामने वो किसी भी तरह से झूठा प्रतीत हो और गलत प्रतीत हो। इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया था और यहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर वह चला गया था। वह अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो जाता है, तभी अचानक से उसका बर्थडे आता है और उसके बर्थडे वाले दिन उसके दोस्तों का उसके पास फोन आता है और वह उसे पार्टी देने के लिए कहने लगते हैं। इसके बाद पंकज अपने दोस्तों से एक 5-स्टार होटल के लिए कहने लगता है और कहता है कि चलो वहां पर चलते हैं और वहां पर पार्टी करेंगे, लेकिन उसके दोस्त उसे मना करने लगते हैं। कहते हैं कि नहीं यार, ऐसा तो हम हर बार करते हैं, आज कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ अलग से किया जाए। सभी लोग मिलकर सोचते हैं कोई अच्छा सा आइडिया हो और उस आइडिये पर काम करेंगे। इसी तरह से सोचते हुए अचानक से पंकज के दिमाग में उस भजिया वाली महिला की बात आ जाती है और वो एकदम से उन लोगों से कहने लगता है कि ऐसा करते हैं, आज स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं और ऐसे ही जाकर किसी ठेले से सामान खाएंगे, वो एक अलग से चीज हो जाएगी और वो चीज हमें हमेशा याद भी रहेगी। क्योंकि वह अपने उन पैसों को भी देना चाहता था जो पैसे उसने उस दिन लिए नहीं थे, तो वह सोच रहा है कि आज पार्टी देने के लिए जाऊंगा तो उन पैसों को भी साथ में दे दूंगा और कहूंगा कि आज मेरे पास खुद के पैसे हैं। इसके बाद उसके सभी लोग इस बात पर एग्री होते हैं और पंकज अपने दोस्तों के साथ उसी चौराहे पर चला जाता है जहां पर वह महिला भजिया तला करती थी। लेकिन आज जाकर जैसे ही वो देखता है तो उसे यहां पर कोई भी ठेला दिखाई नहीं देता है। इन बातों को लगभग 6 महीने बीत गए थे और 6 महीने बाद अचानक से आज उसे मौका मिला था, लेकिन आज यहां पर वो महिला ठेला लगाए हुए नहीं दिखाई देती है। इसके बाद पंकज के दोस्त एक दूसरी रेडी पर इशारा करते हैं और वहां पर चलने के लिए कहने लगते हैं। अब पंकज अपने दोस्तों के साथ वहां पर चला जाता है, सभी लोग वहां पर पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद सभी लोग वहां से वापस आ जाते हैं। अब उसके सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन पंकज के दिमाग में अभी तक भी वो महिला घूम रही थी और वह सोच रहा था कि वह कहां चली गई, मुझे तो उसके पैसे भी देने थे। इसी बात को सोचकर वह अगले दिन सुबह सुबह दोबारा से उसी जगह पर आता है और वहां के अड़ोस पड़ोस वाले ठेलों वाले से पूछने लगता है कि यहां पर जो महिला भजिया तला करती थी वो कहां चली गई। इसके बाद जो पड़ोस वाले ठेले वाले होते हैं वह उसको बता देते हैं, कहते हैं कि साहब उसका तो तलाक हो गया, उसके पति ने उसे तलाक दे दिया और वो अपने घर पर रहा करती है। इसके बाद वो कहने लगता है कि इतनी जल्दी तलाक कैसे हो गया, कानूनी प्रक्रिया में भी काफी दिनों का समय लग जाता है, लेकिन इन लोगों का इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो वो बताता है कि उसके पति ने पंचायत जोड़ी थी और पंचायत जोड़ने के बाद उससे फैसला कर लिया है, अब वो अपने गांव में अपने घर रहा करती है और उसका पति यहां पर रहकर मेहनत मजदूरी किया करता है। इसके बाद पंकज पूछने लगता है कि ऐसा क्या हुआ जो उनका तलाक हो गया, वह अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी तो फिर ऐसा क्या हुआ जो उन दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद वह व्यक्ति उसे बता देता है कि साहब कुछ दिनों पहले यहां पर कोई व्यक्ति आया था और उस व्यक्ति की मदद करने के लिए उसने उसे फोन दिखा दिया और यहां पर उसे भजिया खिला दी। जब वह महिला उस लड़के से बातें कर रही थी तो इस बात को एक राह चलता व्यक्ति देख लेता है और वह राह चलता व्यक्ति जाकर उसके पति को बता देता है। इस बात को सुनकर उसके पति के दिमाग में बहम घुस जाता है कि उसकी पत्नी कहीं ना कहीं उसके साथ धोखा कर रही है और इसी बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान उसका पति उस पर इल्जाम लगाने लगता है और यह बात उससे बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। वह कई बार उसे सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति उसकी एक नहीं सुनता है और उससे कह देता है कि आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। उसके बाद उसका पति पंचायत बुलाता है और पंचायत बुलाने के बाद दोनों का फैसला पंचायत के जरिए कर दिया जाता है और अब दोनों अलग अलग रहा करते हैं। यह बात जैसे पंकज सुनता है तो पंकज के दिमाग में वो सारी बातें घूमने लगती हैं और उसे पता चल जाता है कि मेरी वजह से उसका तलाक हुआ है और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके बाद पंकज उस व्यक्ति से पूछने लगता है कि अब वह महिला कहां रहा करती है, तो वह व्यक्ति उसे बता देता है कि वह अपने गांव में अपने माता पिता के पास रहा करती है। पंकज उस व्यक्ति से गांव का एड्रेस लेता है और वहां से वापस अपने घर आ जाता है। घर में रात के समय बिस्तर पर आराम कर रहा था और आराम करते हुए उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी कि मेरी वजह से एक लड़की का बसा बसाया घर उजड़ गया और मुझे इसको ठीक करना चाहिए। इसी बात को सोचकर दूसरे दिन सुबह सुबह पंकज अपनी गाड़ी लेता है और गाड़ी लेने के बाद सीधा उस गांव में पहुंच जाता है। जैसे ही वो उस गांव में पहुंचा था तो वहां पर जाने के बाद वह इधर उधर पूछता है, क्योंकि उसने नाम और एड्रेस पहले ही उस व्यक्ति से पूछ लिया था, और वहां पर जाने के बाद धीरे धीरे वह गांव के बाहर बने हुए एक झोपड़े पर पहुंच जाता है, जिस झोपड़े की हालत काफी ज्यादा जर्जर थी और उसी झोपड़े को उस लड़की का बताया गया था। इसके बाद पंकज उस झोपड़े के सामने अपनी गाड़ी को रोकता है और गाड़ी को रोकने के बाद गाड़ी से उतरकर उस झोपड़े की तरफ बढ़ने लगता है। उस झोपड़े के अंदर वो लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी और फिलहाल भी तीनों जन उस झोपड़े के अंदर ही थे। अब पंकज जैसे ही दरवाजे पर जाता है तो अंदर से कोमल एकदम से उसे देख लेती है और देखते ही एकदम से उसकी बौहें चढ़ जाती हैं। वह खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद कहती है कि साहब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप एक बार पहले मुझसे मिले थे और उसकी वजह से मुझे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था और बेमतलब की ही मैं अब तक सजा भुगत रही हूँ, तो आप यहाँ से चले जाओगे तो ही अच्छा होगा।
ऐसा कहकर वो उससे जाने के लिए कहने लगती है, लेकिन पंकज फिर भी हिम्मत करता है। हिम्मत करते हुए उससे कहने लगता है कि देखिए मेरा ऐसा इरादा कोई भी नहीं था, जो कुछ आपके साथ हुआ उसके बारे में मुझे पता है और मैं नहीं चाहता कि आप बेमतलब की ऐसी सजा को भुगते। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके पति से बात करूंगा और उनके सामने इन सारी बातों को क्लियर कर दूंगा। अब इस बात को सुनकर जो कोमल के माता पिता थे वो कहने लगते हैं कि बेटी कौन है ये और तू इसे कैसे जानती है। तो वो बता देती है कि पिताजी ये वही व्यक्ति है जिसकी वजह से मेरा तलाक हुआ था और आज ये फिर आ गए हैं, कहीं ऐसा ना हो इससे आगे मुझे और कुछ भी झेलना पड़े। उसके बाद कोमल के माता पिता भी उससे कहने लगते हैं कि बेटा हमें पता है हमारी बेटी गलत नहीं है, लेकिन इसका पति का क्या करें, उसे कई बार ये बात समझा ली लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है। और अगर उसके साथ हमने जैसे तैसे करके अपनी बेटी को अब रख भी दिया तो उसके बावजूद भी कुछ नहीं होना, क्योंकि आगे चल के जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहां पर अगर पति विश्वास ना करे तो उसका घर नहीं बसा करता। इसी वजह से हम नहीं चाहते कि अब दोबारा से अपने पति के साथ जाए, हम इसके लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढेंगे और उसी से इसकी शादी कर देंगे। अब यह बात सुनकर पंकज अपने मन के अंदर गहन सोच विचार करने लगता है। उसके बाद वह उनसे कहता है कि देखिए बाबूजी आपकी बात तो सही है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी वजह से एक बसा बसाया घर उजड़ गया तो इसी वजह से मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर आप लोग कहो तो मैं एक बार इसके पति से बात कर लेता हूँ और ये दोबारा से उसी के साथ रहने लगेगी। लेकिन उसके माता पिता ने पंकज से साफ साफ मना कर दिया था और कह दिया था कि ऐसे व्यक्ति के साथ हमें अपनी बेटी को दोबारा से नहीं रखना। इसके बाद पंकज उनसे आज्ञा लेता है और आज्ञा लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन बार बार वो मुड़ मुड़कर उस लड़की की तरफ देख रहा था, कोमल की तरफ, और देखने के बाद बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। वह वहां से अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में बैठने के बाद सीधा अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद अभी तक भी कोमल का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, जिसने एक छोटी सी मदद की थी और मदद के बदले उसका बसा बसाया घर उजड़ गया। उसके माँ बाप की हालत उसकी आंखों के सामने आ रही थी और उस झोपड़े की हालत उसकी आंखों के सामने आ रही थी। इसके बाद वह अपने घर जाकर अपने माता पिता से इस बारे में बात करने लगता है। वह उन्हें पूरी कहानी शुरू से बताता है और बताता है कि मैं इस तरह से बहाना लगाकर उसकी दुकान पर गया था और वहां पर जाने के बाद मैंने उसका फोन यूज किया और फोन यूज करने की वजह से उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मुझे इस बात का बड़ा ही बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से किसी महिला का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। उसके माता पिता गहराई से इस बात को सुनते हैं और सुनने के बाद इस पर विचार विमर्श करने लगते हैं। पंकज ने उन्हें बता दिया था कि उनके माता पिता की हालत काफी ज्यादा खराब है और वो इस समय में अपनी बेटी की दूसरी शादी कैसे करेंगे। पंकज के माता पिता ने थोड़ी देर तक विचार विमर्श किया था और उसके बाद एक फैसला कर लिया था। वह कहते हैं कि बेटा तू ऐसा कर, उस लड़की को अपनी किसी कंपनी में काम दे दे और उनके कच्चे घर को पक्के घर में तब्दील करा दे, और ऐसा करने से तेरी गलती का भरपाई तो नहीं होगी लेकिन तेरी गलती का पश्चाताप जरूर से हो जाएगा। अब तभी पंकज कहने लगता है कि माँ बाबूजी मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। इसके बाद उसके माता पिता उसकी राय जानते हैं और राय जानने पर उन्हें पता चलता है कि पंकज उस लड़की से प्यार करने लगा है और उसी से शादी करना चाहता है। अपने माता पिता को उसने पहले भी बता दिया था कि वह बहाने से उसके पास गया था लेकिन उसकी गाड़ी में तेल खत्म नहीं हुआ था। तो उसके माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा अगर तू ऐसा चाहता है तो तेरी खुशी में ही हम खुश हैं और हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद पंकज इस बात को सुनकर खुश हो गया था कि उसके माता पिता उसके फैसले के साथ हैं। इसके बाद जो पंकज होता है अपने माँ बाबूजी से कहता है कि ठीक है माँ बाबूजी ऐसी बात है तो मैं एक बार उससे बात करके आता हूँ, अगर वो भी एग्री है तो मैं उसी से शादी कर लूंगा और शादी करने के बाद हम सभी लोग एक साथ रहेंगे। इसके बाद पंकज दोबारा से अपनी गाड़ी लेता है और दोबारा से उसी झोपड़े पर चला जाता है। वहां जाने के बाद जैसे ही इस बार फिर से वो लड़की उसे वहां पर देखती है तो एक बार फिर से कहने लगती है कि तुम यहां पर क्यों आ गए, अब क्या इरादा है तुम्हारा। उसके बाद पंकज कहने लगता है कि देखिए सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए, मैं यहां पर आपसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आया हूं। इसके बाद जो कोमल होती है वो थोड़ी सी शांत होती है और शांत होने के बाद पंकज को बैठने के लिए कहने लगती है। वहीं पर उसके माता पिता बैठे थे तो पंकज उन सभी से कहने लगता है कि देखिए जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूं। इस बात को कोमल के माता पिता बड़ी गौर से सुन रहे थे और तभी पंकज कह देता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं क्योंकि इसकी शादी मेरी वजह से टूटी है तो मैं ही इस चीज का भुगतान करूंगा। आपको अपने बारे में बता देता हूं कि मैं एक बिजनेसमैन व्यक्ति हूं और ढेर सारी कंपनियां हैं मेरे पास, रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस बात पर कोमल के माता पिता को विश्वास नहीं होता है और वे उससे कहने लगते हैं कि साहब क्यों मजाक कर रहे हो, हम गरीब जरूर हैं लेकिन ऐसे नहीं कि छोटी छोटी चीजों पर अपना ईमान डिगा दें, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और आप यहां से चले जाओ। लेकिन जो पंकज होता है उनको विश्वास
लाता है और कहता है कि मैंने अपने माता पिता से बात कर ली है, अगर आप लोग चाहें तो मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर कोमल के पिता सोचते हैं कि ये वैसे ही कह रहा है, तो वो उससे कह देते हैं कि ठीक है अपने पिता को ले आओ, वही शादी की बात कर लेंगे। इसके बाद पंकज वहाँ से जाता है और अपने माता पिता को अपने साथ लेकर रात के समय में वहीं पर पहुँच जाता है। अब जैसे ही वो अपने माता पिता के साथ आया था तो कोमल के पिता बड़े हैरान हो जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं कि ये लड़का तो सच ही कह रहा था और ये सच में ही मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। इसके बाद कोमल के पिता गांव में जाते हैं और गांव के दो चार आदमियों को वहां पर बुला लेते हैं। उन सभी आदमियों के सामने दोनों की शादी की बातें तय हो जाती है और एक निश्चित मुहूर्त देखकर दोनों बच्चों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कोमल पंकज के घर में आती है और पंकज के घर में आने के बाद जो पंकज है वो पूरी बात कोमल को बता देता है। कहता है कि उस दौरान मेरा तेल खत्म नहीं हुआ था, मैं तो केवल तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे पास गया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम शादीशुदा हो। अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता और तुम्हारी जिंदगी ऐसी नहीं हो पाती। अब इस बात को सुनकर कोमल हंसने लगती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, यह सब कुछ ऊपर वाले का लेखा जोखा था। ऊपर वाले ने चाहा तो उससे मेरा तलाक हो गया और तुमसे मेरी शादी हो गई। इसके बाद कोमल घर के अंदर हंसी खुशी रहा करती है और अपने सास ससुर की अच्छी तरह से सेवा किया करती है। पंकज कोमल को अच्छी तरह से रखा करता है और पंकज ने कोमल के माता पिता के लिए जहां पर उनकी झोपड़ी थी वहां पर एक अच्छा सा मकान बना दिया था और मकान के ही साइड में उनको एक दुकान खोलकर दे दी थी और कहा था कि आप इस दुकान को चलाओ और फिर भी आपको थोड़ी बहुत भी पैसों की दिक्कत हो तो आप बेझिझक होकर मुझसे मांग लेना। क्योंकि पंकज तो चाहता था कि वो उसके साथ ही रहे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि हम लोग बेटी के पास नहीं रह सकते और बेटी को तुम अपने साथ ले जाना चाहते हो तो बेशक से ले जाओ, लेकिन हम लोग यहीं पर रहेंगे, जैसे तैसे करके अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। तो इसी वजह से पंकज ने उन लोगों के लिए वहीं पर सुविधा कर दी और उन लोगों को वहीं पर रखने लगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी। आप क्या कहना चाहते हो पंकज के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो कोमल के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।